हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8 का सीटेट पेपर 2 एंड प्राइमरी टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लेइंग विद द नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ का एनसीईआरटी पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ चला जा रहा है। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और हमारे क्लास को देखते होंगे। तो मैं इस पार्ट क्लास 1 पहले हो चुका है, क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि क्रिप्टिदम किसे कहते हैं, इसको किस प्रकार से बनाएंगे हम देखेंगे। तो कोड जैसा संख्या, सबसे पहले कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो कोड में दिया रहेगा, कैसा रहेगा, दिया रहेगा कोड में दिया रहेगा। तो जो कोड नंबर दिया हुआ उसके आधार पर हम क्या करेंगे, नंबर को पहचानेंगे और ऐड करने के प्रयास करेंगे। दूसरा, हर अंक के लिए एक कोड का प्रयोग करेंगे। हर अंक के लिए क्या होता है, एक कोड का प्रयोग किया जाएगा, दोबारा वही वर्ड पुनः उस कोड में नहीं आएगा, यानी एक कोड आएगा। पहला अंक शून्य नहीं होना चाहिए, और पहला अंक जो होगा वो शून्य नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्रिप्टिदम बोलेंगे। अब क्रिप्टिदम के बारे में हम सही से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ऐड में होता है, सबट्रैक्ट में को किस प्रकार से, मल्टीप्लाई में किस प्रकार से होता है और ऐड में किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखो पहले हम देखेंगे ऐड। लिखा हुआ है a 2 3 b, ठीक है, ये प्लस 8 करना है और नीचे दिया हुआ 12 9। तो बताओ क्या है, 2 और b में क्या ऐड करेंगे कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अपने से हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो b में कितना ऐड करेंगे, 7 देखिए 9 आ जाएगा, तो b में 7 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये लिखा हुआ a प्लस 3, तो a के जगह पे क्या रखेंगे कि 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, या 9 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसको सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 9 में घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा ना, 12 आएगा, तो एक जगह पे 12 हो जाएगा, इस 9 आएगा, सॉरी एक जगह पर 9 हो जाएगा। यदि इसको बनाना चाहते हैं डिटेल से तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b 2 + b = 9 लिखेंगे ना। अब इधर b 9 के पहले, सॉरी b इधर पॉजिटिव, उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, यानी b = -2 हो जाएगा, है ना, 9 बी इधर 2 पॉजिटिव, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो b = अब बताओ 9 में 2 चल जाएगा तो हम जगह 7, तो b के जगह पर क्या रखेंगे, हम 7 रखेंगे। दूसरा लिया हुआ है a + 3, इसको लिख सकते हैं a + 3 = 12। अब बताओ इधर पॉजिटिव, उधर जाकर क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो a = 12 - 3 = क्या जाएगा, 9। तो एक की जगह वैल्यू 9 रखेंगे और b के जगह पर हम 7 रखेंगे। इस प्रकार से मेरा ऐड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम, हेलो डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम बड़ा कैलकुलेशन को हम शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार से करेंगे या फिर उसको किस प्रकार से जानेंगे, या डिजिट 2 से 3 से 7 से 9 से 8 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बारे में हम शॉर्ट ट्रिक जानने का प्रयास करेंगे। कौन सा तरीका होगा, हम कैसे जानेंगे, हम पहचानेंगे कि वह 2 से 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो उसको रूल है, उस रूल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, यह सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC JSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 2 से विभाजित होने का कौन सा रूल है कि जो 2 से कम्प्लीटली देखते ही पता चल जाएगा कि यह 2 से कंप्लीट विभाजित है। जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर, ठीक है, सम संख्या या टू का गुणांक हो जैसे में 2 4 6 8 0 हो, तो वह 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। यानी जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो या 2 का गुणांक हो, जैसे में 2 4 6 8 0, वह क्या होता है, 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाता है। कोई भी संख्या ले लो, दुनिया का कोई बड़ा डिजिट 8 0 7 9 8 1 3
टू, तो लास्ट में देख रहे हैं टू है, तो ये क्या टू से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे लास्ट इकाई डिजिट क्या देखना है, इकाई डिजिट देखना है कि लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 है तो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं 3 डिवाइड होने का, 3 से विभाजित होने का क्या रूल है, तो दिया हुआ संख्या को सम करके देखेंगे, यदि समेशन मतलब जोड़ा हुआ संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो वह दिया हुआ संख्या 3 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाएगा। यानी कहता है कि यदि दिया हुआ संख्या है उसको जो संख्या दिया हुआ जिससे हम डिवाइड करेंगे, जो दिया हुआ संख्या उसको क्या करेंगे हम पहले ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे समेशन करेंगे, और समेशन करने के बाद ऐड करने के बाद हम देखेंगे वो 3 से विभाजित हो जाता है, यदि विभाजित हो जाता है तो क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। सपोज के लिए हम कुछ संख्या ले रहे हैं 2, 3, 4, 6, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 1, चलो ले लिए कोई भी संख्या, ये संख्या क्या करके हम ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि यह संख्या ऐड करने के बाद 3 से विभाजित होता है या नहीं। तो देखते हैं कि 9 और 1 10, 10 और 18, 18 हो गया, 18 4 20, 20 और 28, तो 28 आ रहा है, तो समेशन क्या आ रहा है 28 आ रहा है, तो इस प्रकार से ये 28 क्या 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इस प्रकार से ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम समेशन करेंगे, दिया हुआ संख्या को क्या करेंगे हम समेशन करेंगे, समेशन करके देखेंगे वो 3 से डिवाइड है, डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 9 को देखते हैं कि 9 का क्या डिवाइड है, जिस प्रकार से 3 था उस प्रकार से 9 का भी रूल वही है, सेम टू सेम। कहता है 9 से विभाजित होने का क्या रूल है, तो दिया हुआ संख्या को सम करके देखेंगे, यदि समेशन जोड़ा हुआ संख्या 9 से क्या होता है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। यानी कहता है कोई भी संख्या जैसे दिया हुआ है, कोई भी संख्या ले लिए जैसे लिख दिया 3, 3, 4, 5, 3, तो ये संख्या हम ले लिए 3, 4, 5, 3। अब हम चेक करना चाहते हैं कि यह 9 से डिवाइड है ही नहीं, तो देखेंगे 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, अधिक अमाउंट का आवश्यकता होती है, तो इसमें प्लस हम 3 काट देते हैं। चलो और लंबा डिज लेते हैं, सपोज के लिए लेते हैं हम यहाँ पे 2, 3, 4, 6, 6, 3 ले लिए। अब इस नंबर को क्या करके ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखते हैं ये समेशन 3 जो आएगा वो 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो 3, 3, 4, 10, 10 और 16, 16 और 17, 18, तो 18 आ रहा है, 18 क्या 9 से डिवाइड है, तो देख रहे हैं हाँ 9 क्या है 18 से डिवाइड कर रहा है 2 बार में, तो ये कंप्लीट नंबर है जो क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखेंगे हम 4 से डिवाइड होने का क्या रूल है, 4 से विभाजित होने का रूल, ठीक है। तो दिया हुआ संख्या के इकाई और दाही से बनने वाली संख्या से 4 से विभाजित है तो वह पूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। कह रहा है कि दिया हुआ संख्या, जो दिया हुआ संख्या है उसका इकाई और दाही वंस और टेंस से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित है तो वह पूर्ण संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। जो संख्या दिया हुआ था देखो वंस टेंस हुआ इकाई दाही सैकड़ा, तो वंस टेंस को ही देखना है, और देखने बाद देखेंगे 4 से यदि डिवाइड हो जा रहा है कंफर्म तो दिया हुआ संख्या पूर्ण जो दिया रहेगा संख्या पूर्ण रूप से क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये रूल है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि लास्ट में क्या 24, तो ये 124 है, 24 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो फोर से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको देखना क्या है, फोर से डिवाइड होने के लिए इकाई और दाही संख्या को देखना है, वो इकाई दाही संख्या 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो दिया हुआ संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे 6 से विभाजित होने का रूल, 6 से विभाजित होने का रूल क्या है, तो दिया हुआ संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। कहता है कि जो संख्या दिया रहेगा वह संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो जाएगा तो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो हम पहले 2 का रूल देखेंगे, 2 का रूल क्या होता है, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो लास्ट में देख रहे हैं कि 4 है तो 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, दिया हुआ संख्या को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखेंगे वो 3 से विभाजित है तो हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो 6, 4, 10, 10 और 15 तो समेशन कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो 15 का 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, अन्यथा इस प्रकार से पता चल रहा है कि दिया हुआ संख्या क्या है 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई दिक्कत। अब हम चलेंगे इसके आगे रूल नंबर 5 में, 5 और 10 से विभाजित होने का रूल, ठीक है। दिया हुआ संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 विभाजित होगा, और सिर्फ
इकाई अंक जीरो हो तो वह 10 से विभाजित होगा। कहता है जो दिया हुआ संख्या है वह संख्या को हम देखेंगे लास्ट में कि इकाई अंक पे कि जीरो है या 5 है। यदि जीरो और 5 रहेगा वह तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा, या सिर्फ जीरो रहेगा तो वह 10 से विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल एक देखते हैं, जैसे सपोज लिए दिया हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2, 5, 6, 6, 5 दिया हुआ है, तो क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? क्या लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। यदि लास्ट में खाली 0 आ जाता तो क्या 5 से भी डिवाइड होता और 10 से भी डिवाइड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अपने से 11 से विभाजित होने का रूल, 11 से विभाजित होने का क्या रूल है, ठीक है। कहते दिया हुआ संख्या के इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करके लास्ट में सब्ट्रैक्ट करने पर 0 या 11 मिलता है तो वह 11 से विभाजित हो जाएगा। देखो गौर सुनो, कहता कि दिया हुआ संख्या के इवन प्लेस, ठीक है, और ऑड प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस मतलब कि कोई संख्या दिया हुआ है, ये कोई संख्या दिया हुआ है सपोज के लिए, तो यहाँ से देखें 1s, 10s है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा ना, तो ये फर्स्ट हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो जो प्लेस हम लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ये हो जाएगा इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। तो जो कहता है इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करने पर, यानी इवन नंबर को अलग से ऐड करेंगे, ऑड नंबर को अलग से ऐड करेंगे, इवन ऑड नंबर क्या आ रहा है 8+8+8, ये ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर में क्या आ रहा है 4+2, यही ना रहा है जी। अभी दोनों को ये हो गया तुम्हारा ऑड प्लेस हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा इवन प्लेस हो गया। अब ऑड नंबर इवन नंबर को क्या करेंगे हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ऐड कर दिए उसके बाद जो ऑड और प्लेस, जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो वैल्यू ऐड करने के बाद आएगा वो दोनों क्या करेंगे लास्ट में सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, और घटाने के बाद 0 या 11 मिलेगा तो क्या होगा 11 से विभाजित होगा, ठीक है, 11 से क्या होगा विभाजित होगा। तो हम जैसे ये दिया हुआ है 24 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं कि 0 या 11 आता है, तो इधर 2 और उधर 18 क्या जा रहा है 18, क्या ये लास्ट में क्या आ रहा है 18 आ रहा है, सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो क्या ये 11 से सबट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए, सबट्रैक्ट करने के बाद 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं, सब उसके लिए ये दिया हुआ है लास्ट में क्या दिया हुआ 1, 1, 2, 1, तो क्या 11 से डिवाइड है? तो हम देखेंगे प्लेस देखेंगे, ये हो गया ऑड प्लेस, ये हो गया इवेंट प्लेस, और ये क्या हो गया ऑड प्लेस, तो ऑड प्लस ऑड करेंगे तो 1+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, और इवेंट में सिर्फ 2 है तो 2 का 2 रहेंगे, और दूसरे सबट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 0, सबट्रैक्ट कितना आएगा 0, तो 0 आ जा रहा है। इस प्रकार से 121 क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम देखेंगे 7 और 8 से डिवाइड होने का रूल, 7 से विभाजित होने का रूल, देखते हैं कि दिया हुआ संख्या की इकाई अंक को 2 से गुना किया जाता है। कहते जो दिया हुआ संख्या है उसको इकाई अंक में जो संख्या आएगा उसको कितना मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे, कितना से करेंगे मल्टीप्लाई 2 से हम गुना करेंगे। अब और इसका इकाई अंक छोड़कर, जो जिस इकाई अंक से हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं उस अंक को छोड़कर क्या करना है, छोड़कर शेष संख्या से क्या करेंगे घटा दिया जाता है, यानी घटा देंगे, क्या करेंगे हम घटा देंगे। उसके बाद अंतर, जो अंतर क्या आएगा 0 या 7 आएगा, या 7 का गुणज आएगा तो वह 7 से विभाजित हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, समझ लिए 798 लिए, तो हम देखेंगे क्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो 7 से विभाजित होने का रूल क्या होता है कि लास्ट में इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना बचा हुआ शेष संख्या उसको क्या करेंगे जो मल्टीप्लाई किया उसे सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने के बाद देखेंगे 0 या 7 के मल्टीप्लम में आएगा तो 7 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे हम सबसे पहले लास्ट में कितना डिजिट है 8, तो 8 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे 16 हो गया। अब इस जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किए तो शेष संख्या कितना बचा 79, तो 79 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 आएगा।
तो 63 देख रहे हैं कि 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, क्या बोले 0 या 7 का गुणनज हो, तो 7 का गुणनज है देखो, तो 7 का गुणनज 63 आएगा, यानी गुणनज आ रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, अतः इससे प्रूफ होता है कि 798 क्या है, 7 से कम्प्लीटली डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 का डिवाइड देखेंगे हम, एट से विभाजित होने का रूल कहता है कि दिया हुआ संख्या के अंतिम तीन संख्या, कहता अंतिम तीन संख्या शून्य हो या एट का विभाजित हो या एट से विभाजित हो, वह पूरी संख्या का होगा, एट से विभाजित हो जाएगा। कहता है एट से विभाजित होने के लिए कि जो दिया हुआ संख्या है उसके अंतिम तीन संख्या, अंतिम तीन संख्या कहेंगे या जीरो होगा या फिर आठ से विभाजित हो जाएगा, या जीरो होगा या आठ से विभाजित हो जाएगा, तो जो दिया हुआ संख्या है वह एट से पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से विभाजित होने का जितना भी रूल है, टू से लेकर हम 9 तक बताए हैं, तो जो विभाजित होने का जो रूल है हम रूल बता दिए, ठीक है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है तो हम आगे बताएंगे अगला वीडियो में, तो ये रिमेम्बर रखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें।